प्रशांत कनौजिया जेल से छूटने के बाद फेसबुक पर शेयर किया एक पोस्ट। प्रशांत कनौजिया ने लिखा है, अब मैं घर परिवार के साथ हूं और एकदम स्वस्थ हूं। सर्वप्रथम मैं सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने संविधान के हक में आवाज बुलंद की। इसके अलावा मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मेरे मौलिक अधिकारों की रक्षा की और देश को संदेश दिया कि संविधान से बड़ा कोई नहीं है। खास तौर पर सिद्धार्थ वर्धराजन और दवाहर की पूरी टीम का विशेष धन्यवाद। मैं अपनी वकील नित्या रामाकृष्ण और शहदान को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने सर्वोच्च अदालत में मेरे मामले की पैरवी की। इसके अलावा लखनऊ में कानूनी लड़ाई को लड़ने वाले एडवोकेट सालोमन, एडवोकेट शोएब साहब और एडवोकेट परशुराम कन्नौजिया का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं यूनाइटेड अगेंस्ट हेट की टीम नदीम खान, उमर खालिद, बंजोत सना लहरी, खालिद सैफी, बोलता हिंदुस्तान के पुनित सिंह, परियाम सिंह और समर राज, इसके अलावा प्रत्येक पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, न्यायपालिका और तर्कवादी व्यक्ति का संगठन और खास तौर पर सुनील सिंह साजन, प्रदीप नरवाल और पूजा शुक्ला का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं एडिटर्स गिल्ड IWPCI SAWM का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जितने भी राजनीतिक दल और नेताओं ने संविधान के पक्ष में आवाज बुलंद की और मेरे साथ और अन्य लोगों के साथ हो रहे अन्याय के लिए सरकार से सवाल पूछा, इसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन संविधान की रक्षा और उसके मूल्य को बचाने के लिए आम नागरिक हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। मैं बस इतना चाहूंगा कि प्रशांत कन्नौजिया महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान की रक्षा और उसे बचाने की लड़ाई सभी लोगों को मिलकर लड़ना होगा। सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी, बस ये संविधान की आत्मा नहीं बदलनी चाहिए। मैं अंत में मेरी पत्नी जगीश अरोड़ा और मेरे बड़े भाई अमित विशेन का खास धन्यवाद करना चाहूंगा और मुझे गर्व है इन दोनों पर और मेरी यही ताकत है। मेरे माता पिता और भाई अश्विनी को भी धन्यवाद जिन्होंने इस समय अपने आप को संभाल कर रखा। मैं बड़े भाई एडवोकेट चंद्रेश यादव, रॉबिन सिंह, अफरोज मलिक, लवकुश अभिनंदन, आकाश ओझा, मोहम्मद अनस, राहुल चौधरी, वीरू चौधरी, अमरदीप रोहिणी, दीपांकर और अन्य सभी शुभचिंतक लोगों का आभारी रहूंगा। मुझे अभी सबके नाम नहीं पता जिन्होंने मेरे लिए संविधान के लिए आवाज़ उठाई, इसके लिए माफ़ी। बाकी मैं जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पूरी बात आप लोगों के बीच रखूंगा। हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता। हम लड़ेंगे कि हम तब तक लड़े क्यों नहीं, हम लड़ेंगे अपनी सजा कबूलने के लिए लड़ते हुए जो मर गए उनकी याद जिंदा रखने के लिए हम लड़ेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद। आपका प्रशांत कन्नौजिया, ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।